हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं बूंदी रसेदार बूंदी बनाने जा रही हूँ, जिसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। इसके लिए मैंने एक कटोरी, इस वाली कटोरी से मैंने बूंदी लिए हैं, और आधे कटोरी के लगभग मैंने चीनी लिए है, फूड कलर है, और एक काजू लिए हैं, कुछ काजू हैं, 5 से 10 किशमिश के दाने हैं जो आप देख सकते हैं। इन सब का मैं यूज करूंगी बूंदी बनाने में, देख सकते हैं। चलिए तो इसकी चाशनी पहले हम लोग बना लेते हैं। गैस पे मैंने पैन चढ़ा दिए हैं, घड़े आकार का बर्तन ले, गैस को मीडियम फ्लेम रखें और इसमें चीनी डाल करके इसे उबाल गर्म कर लें। आप देख सकते हैं मैंने फूड कलर भी हल्के से डाल दिए हैं। इस तरह से आप इसे मिलाते हैं, एक चुटकी के लगभग एक चुटका लगाए, चीनी को पूरी तरह से गला ले। 1 से 2 चम्मच के लगभग इसमें मैंने कटोरी में मैंने 4 चम्मच पानी रखे थे, 2 से 3 चम्मच मैं इसमें डाल दूँगी, डाल दे जिससे ये गले नहीं। अभी तो मैं गर्म करूँगी अच्छे से। जब ये मिल जाएंगे तो देखिए थोड़ी देर में अच्छे से मिल जाएंगे। अब आप इसमें बूंदी आप घर पे भी बना सकते हैं, मैंने अभी रेडीमेड लिए हैं। मैं आपको बूंदी बनाना भी बताऊंगी, बिल्कुल कुछ ही समय में। जब आपको मीठा खाने का मन करे तो आप इसे इसमें आप इलायची फ्लेवर अगर पसंद हो तो आप 2 इलायची को कूट करके डाल दें, है ना। इसमें इस तरह से इस इलायची को कूट कर डाल दूँगी। अगर नहीं पसंद है तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। आप इसमें अब देखिए ये पूरे से मेल्ट हो चुके हैं। अब आप इसमें इसे बंद कीजिए और इसमें फटाफट बूंदी डाल करके इसे अच्छे से मिला लीजिए। देखिए इस तरह से मिला लेंगे तो इसे रसेदार बूंदी तैयार हो जाएगी। इस तरह से इसमें आप अब ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। मैंने इसी में कूटे हुए इलायची भी डाल दिए हैं। इस तरह से ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। जब भी आपको कुछ मीठा खाने का पसंद हो, खाने का मन करे, आज कुछ मीठा हो जाए तो आप इसे बना सकते हैं। इसके आप लड्डू भी बना सकते हैं, आप बूंदी का रायता भी बना सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, ऐसे रस्से वाली बूंदी भी बना सकते हैं। इस तरह से देखिए ये सब करने के लिए तैयार। थोड़ी सी ठंडी हो जाए इसे गैस से उतार लीजिए और आप इसे देखिए। मैं अभी सर्व करते हुए आप लोग को दिखाती हूँ। यह देखिए आपकी रसेदार बूंदी तैयार है अब सर्व करने के लिए। आप लोग गर्मा गर्म इसे सर्व करें पूरी के साथ हूं। और पार्टियों में भी आप अधिकतर देखे होंगे बूंदी सर्व किया जाता है। हनुमान जी के प्रसाद में भी बूंदी का यूज होता है। आप भी इसी तरह झटपट बनाएं और सर्व करें, अपने बच्चों को खुश करें। बच्चों को ये एक्चुअली बहुत ही पसंद आता है मीठी बूंदी। आप लोग भी बनाएं इसे। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आप रक्षाबंधन के अवसर पर भी इसे बना सकते हैं। धन्यवाद।